Welcome students to the online class of Subhash English School. I am your English teacher Ashmeet Kaur. Today we are going to start our English grammar. So let's see the first chapter from words to sentence. Firstly, we will see a little bit of introduction of all these. So from words to sentence, what we mean by words? Words क्या होता है? Words are made from letters. Words किससे बनते हैं? Letters से. Letters means A, B, C, D. 26 letters होते हैं English alphabets में, okay? So अगर हम उनको join कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा? Word. Let's see. C, A, T. Get. ये एक word बन गया. देखिए letters को join करके एक word बन गया. ठीक है? Word क्या होता है? Group of letters. So now अब देखिए. A cat is under the table. ये क्या हो गया? मैंने बहुत सारे letters को use करके एक sentence बना दिया. So what we mean by sentence? Sentence is a group of words. Sentence क्या होता है? Group of words होता है. Now, words have to arrange in such a manner as to make a complete sense. वर्ड्स को हमें इस तरीके से अरेंज करना होता है कि उसका एक कंप्लीट सेंस मीन्स एक मतलब बनना चाहिए. जैसे कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट पुट आउट करना है, देन आपको हेल्पिंग वर्ब गिवन होगी. हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, हैज, हैव, एस और ईएस लगा हुआ होना. मेन वर्ब लगाना है, देन आपको ऑब्जेक्ट पुट आउट करना है. ओके, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कोई पर्सन होता है या काम को करने वाला, जिसको हम डूअर बोलते हैं. हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, एवन, सो ऑन. बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, सो विच यू कैन यूज या विच यू विल सी. नाउ मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब मीन्स वर्क होता है, जो आप काम कर रहे हो. ऑब्जेक्ट पर्पस मीन्स आप उस काम को क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो. नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज ऑफ अवर बुक दैट इज वर्कशीट ऑफ 1.1. सो लेट्स सी व्हाट इज इन दैट. सो वर्कशीट, रीअरेंज ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनको अरेंज करना है जिससे उसका एक सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस मीन्स जिसका कोई मतलब हो. सो अवर फर्स्ट वन इज द डॉक्टर अ डे कीप्स एन एप्पल अवे. इसको कैसे बनाएंगे? एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एक एप्पल एक दिन में खाते हैं तो आप डॉक्टर से दूर रहते हैं, मीन्स बीमारियों से दूर रहते हैं. अनकॉन्शियसली ग्रो हैबिट्स बैड. ठीक है, सो इसका क्या हो जाएगा, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली. आप देख सकते हैं बैड हैबिट्स ग्रो होना वर्ब हो गया और अनकॉन्शियसली हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज द स्ट्रेंजर्स बार्क डॉग्स एट. यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है? डॉग कर रहे हैं. सब्जेक्ट है डॉग्स. ठीक है, बार्क कर रहे हैं. डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर. जो डॉगी है वो अजनबियों पर बार्क करते मीन्स भौंकते हैं. प्रोटेक्ट लाइव्स ओवर द पुलिसमैन एंड प्रॉपर्टी. यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है? पुलिसमैन. सो द पुलिसमैन प्रोटेक्ट अवर लाइव्स एंड प्रॉपर्टी. जो पुलिसमैन होता है वो हमारी लाइफ को और हमारी प्रॉपर्टीज को सेव करते हैं. ओके, साउंड ट्रेवल एज क्विकली एज लाइट डजंट. देखिए आप लोग, बारिश आती है तो आप लोग देखते होंगे स्काई में पहले साउंड आता है या लाइट आती है. पहले लाइट आता है और फिर साउंड आती है. इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट फास्ट होती है. सो साउंड डज नॉट ट्रेवल एज क्विकली एज लाइट. ठीक है, साउंड की आवाज़ बाद में आती है, तो साउंड इतनी क्विकली ट्रेवल नहीं करता है जितनी कि लाइट ट्रेवल करती है. ओके, गुड इज नॉट ईट टू मच शुगर टू. देखिए यहाँ पे टू तो प्रिपोजिशन है, ये टू मतलब ज़्यादा होता है. ओके, सो इट इज़ नॉट गुड टू ईट टू मच शुगर. ज़्यादा शुगर खाना अच्छी बात नहीं होती है. कैन द स्टार्स इन द स्काई हु काउंट. ठीक है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन हो गया हु कैन. यहाँ पे ये कैन जो है अब आपकी हेल्पिंग वर्ब है. सो हु कैन काउंट द स्टार इन द स्काई. इसमें आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना रहेगा. इस तरीके से हमारी वर्कशीट ऑफ चैप्टर 1 फिनिश्ड होती है. नाउ वी विल सी 1.1. सो लेट्स सी. नाउ लेट्स सी 1.1 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. अभी तक हमने देखा कि सेंटेंस क्या होता है, अब हम उसके कुछ पार्ट्स देखते हैं. सेंटेंस के दो मेन पार्ट होते हैं, आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. दैट इज
सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट होता है डूअर, ठीक है, काम को करने वाला। और प्रेडिकेट क्या होता है, स्टेटेड अबाउट द सब्जेक्ट, जो बचा हुआ जितना भी पार्ट हुआ जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड बता रहा है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एक आई एम डांसिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, आई मैं कर रही हूँ, तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, एम डांसिंग ये आपका रिमेनिंग पार्ट पूरा हो जाता है प्रेडिकेट, ओके। कई प्लेसेस पे आपको सब्जेक्ट हिडन होगा, सो वो आपको फाइंड आउट करना रहेगा। सो लेट्स सी द वर्कशीट ऑफ दिस, सो लेट्स सी नाउ, सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अभी अभी हमने देखा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे अलग, फर्स्ट वन इज द गर्ल्स आर सिंगिंग, यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, द गर्ल्स, तो द गर्ल्स आपका सब्जेक्ट के नीचे आएगा, बाकी रिमेनिंग आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, आर सिंगिंग, ओके। गॉड लव्स अस ऑल, यहाँ पे गॉड हमारे सब्जेक्ट हो जाएगा, लव्स अस ऑल प्रेडिकेट हो जाएगा। चैरिटी इज अ नोबल वर्च्यू, चैरिटी इज अ सब्जेक्ट, इज नोबल, वर्च्यू इज प्रेडिकेट। I will sing song of your goodness. Okay? यहाँ पे आपका काम कौन कर रहा है, I, that is subject. Okay? Remaining will sing song of your goodness. आपका predicate हो जाएगा। Lucy was as happy as a lark. ठीक है, यहाँ पे verb कौन कर रहा है, Lucy. ठीक है, subject आपका हो जाएगा Lucy और remaining हो जाएगा आपका predicate. Next is the soldiers decided not to fight. ठीक है, सो यहाँ पे काम कौन हो गया, द सोल्जर्स इज सब्जेक्ट एंड डिसाइडेड नॉट टू फाइट आर प्रेडिकेट। ओके, रन अवे फ्रॉम हियर, ठीक है, रन करना तो वर्क हो गया, यहाँ पे कोई भी आपको सब्जेक्ट नहीं गिवन है, सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, रन अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पे हम लोग यू को डिनोट करके यहाँ पे हम उसका सब्जेक्ट लगा देते हैं, बाकी आपका रन अवे फ्रॉम हियर आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। Laugh and be merry. Merry means happy रहना, खुश रहो, okay? So यहाँ पे भी आपका subject नहीं है, so again हम you लगा देंगे, laugh and be merry आपका predicate हो जाएगा। John and Joseph, so John and Joseph इसमें आपके दो लोग हैं, ये आपका subject हो जाएगा, were rewarded predicate। Monkeys are always up to play tricks, जो monkeys हैं वो subject हैं, okay? Remaining are always up to play tricks are predicate। Beautiful scenes are delightful to the eyes. Beautiful scenes मतलब अच्छे सीन जो होते हैं वो हमारी आँख को बहुत अच्छे लगते हैं, delightful लगते हैं, okay? So beautiful scenes आपका subject हो जाएगा, remaining आपका predicate हो जाएगा। Fort St. George was built by the British, okay? So यहाँ पे आपका Fort St. George ये आपका subject हो जाएगा, was built by the British आपका predicate हो जाएगा। Mainly जो हमारा subject होता है वो आपको आगे आगे जो first starting होती है sentence की वहाँ पे आपको मिल जाता है, okay? Now let's see the question number second. Now B part, complete the sentence by supplying suitable subject. यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लगाना है, ज़रूरी नहीं है कि हम एज सेम एज सब्जेक्ट्स पुट आउट करें, यू कैन पुट एनी थिंग यू वॉन्ट टू, बट आपको ये ध्यान रखना है कि सपोज हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज दिया हुआ है तो इसके साथ सिंगुलर लगता है, ओके। यहाँ पे आप किसी भी बॉय का नेम पुट कर सकते हो, तो हम लोग नेम ना पुट करते हुए डायरेक्ट ही लगा दिया, ओके। सो आप कुछ भी चीज़ पुट आउट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, हमें इसको लर्न नहीं करना है, कोई याद नहीं करना है, हमें सिर्फ इस चीज़ को समझना है, ओके। लेट्स सी, डैश इज एन ऑनेस्ट बॉय, बॉय है तो ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ओके। डैश लाइक स्वीट्स, स्वीट्स किसको पसंद है, सभी को पसंद है, हमने यहाँ पे चिल्ड्रन लगाया, ओके। द डैश बिगिन टू सिंक, सिंक मतलब डूबना, ओके, एक तरीके से गायब हो जाना, सो द शिप बिगिन टू सिंक। द डैश अराइव्ड एट टाइम, वॉट अराइव्ड एट टाइम, क्या पहुंचा टाइम पे, द बस अराइव्ड एट टाइम, ओके, ट्रेन भी पहुंचती है, सो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। डैश आर गोइंग टू मुंबई, ऑल माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू मुंबई, ओके। डैश शुड बी एन ऑनेस्ट, किसको ईमानदार होना चाहिए, अ पर्सन शुड बी ऑनेस्ट, ओके। डैश इज राइडिंग अ हॉर्स, कौन हॉर्स राइड कर रहा है, माई फ्रेंड इज राइडिंग अ हॉर्स, ही इज राइडिंग अ हॉर्स, शी इज राइडिंग अ हॉर्स, आप किसी का नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। डैश सिंग टू अट्रैक्ट अदर बर्ड्स, देखो यहाँ पे बर्ड्स की बात आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा कि कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो दूसरी बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए गाना गाती हैं, सो सम बर्ड्स सिंग टू अट्रैक्ट अदर बर्ड्स। डैश इज सर्वड एट नाइट, बेटा नाइट में हम क्या सर्व करते हैं, डिनर सर्व करते हैं, यहाँ पे एक न्यू वर्ड है आपके लिए, डिनर को हम सुपर भी बोलते हैं, ओके,
अप वेंट द काइट, यहाँ पे देखो यू आ जाएगा, ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, सो अप वेंट, ऊपर क्या जा रहा है, द काइट, सिंपल. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज द कंप्लीट द सेंटेंस बाय सप्लाइंग सुटेबल प्रेडिकेट्स. अभी हम लोगों ने सब्जेक्ट लगाया, यहाँ हमें प्रेडिकेट्स लगाने हैं. ओके, सो द फार्मर आर प्लफिंग द फील्ड, ठीक है, फार्मर्स क्या करते हैं, प्लफिंग करते हैं, खेत जोतते हैं, तो ये प्रेडिकेट हम लोगों ने ऐड कर दिया. सेम एज आप यहाँ पे कोई भी प्रेडिकेट लगा सकते हैं. द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स डैश, सॉन्ग ऑफ बर्ड्स क्या होता है, बहुत स्वीट स्वीट होता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है. बार्किंग ऑफ डॉग्स, डॉग्स जब बार्क करते हैं तो क्या होता है, कीप्स अ थीव्स अवे, ठीक है, जो बार्किंग ऑफ डॉग होती है वो चोरों को दूर रखती है. द पुलिसमैन, पुलिसमैन क्या करते हैं, हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है. डॉक्टर क्या करता है, द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, द डॉक्टर सेव द लाइफ, ठीक है, द डॉक्टर सेव हिज लाइफ, एनीथिंग यू कैन राइट. मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो आप लोगों का फेवरेट वर्क है, मैनी चिल्ड्रन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्लेइंग, बहुत सारे बच्चे अपना बहुत सारा टाइम खेलने में बिता देते हैं, स्पेंड कर देते हैं. द बुक्स, बुक्स क्या होती हैं, आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स, हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं. ओके, नो वन, कोई भी, क्या कोई भी, नो वन शुड बी अबव लॉ, लॉ से, कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है. द टायर्ड मैन, थके हुए आदमी को क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए, सोना, नींद चाहिए. द टायर्ड मैन नीड्स रेस्ट एंड स्लीप. यू, व्हाट यू, सो यू मस्ट ओबे द एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स को ओबे करना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए. द स्टोरी, स्टोरी कैसी होती है, वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बोरिंग भी तो हो सकती है, तो आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं. ओके, नाउ 1.2, काइंड्स ऑफ सेंटेंस. इस चैप्टर में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है. सबसे पहले हमने देखा सेंटेंस क्या होता है, फिर हमने देखा सेंटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मीन सेंटेंस के टाइप्स. ओके, सो सेंटेंस के फोर काइंड्स होते हैं, फोर टाइप्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं, लेट्स सी, असर्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ओके, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है बच्चा, सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं. असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. ये क्या होता है, एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, सिंपल सेंटेंस होते हैं. ओके, सो सिंपल सेंटेंसेस किस हिसाब से हो गया, कि हम लोग बोलते हैं कि कंप्लीट योर होमवर्क, ठीक है, तो ये आपका असर्टिव में नहीं, ये इम्पेरेटिव हो जाएगा. ओके, आई एम गोइंग टू मार्केट, एक सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंस है, सो ये हो जाएगा आपका असर्टिव सेंटेंस, मींस डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके, नाउ इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप किसी को ऑर्डर देते हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, एडवाइस देना या किसी को सजेशन देना. ओके, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, आपको अपने ब्रश अपने टीथ को टू टाइम्स ब्रश अप करना चाहिए, ये आपके लिए एडवाइस हो गई. स्टैंड अप, आपका ऑर्डर हो गया. ओके, प्लीज़ गिव मी अ पेन, आपके लिए एक रिक्वेस्ट हो गया. तो ये सारे सेंटेंसेस होते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस. द नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेट करना, क्वेश्चन करना, इसकी पहचान होती है, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है. ओके, आस्किंग क्वेश्चंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चंस को पूछना. ओके, यहाँ पे दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो WH वर्ड्स और एक होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब वही हेल्पिंग वर्ब्स को कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है, इसका मार्क इस तरीके का होता है, स्टैंडिंग लाइन एंड डॉट. ओके, इसमें हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, जस्ट लाइक जॉय, खुश होना, अपन बोलते हैं ना वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सरप्राइज. ओके, सोरो, दुखी होना, ठीक है, कभी शॉक हो जाना, सरप्राइज हो जाना, या एक्साइटमेंट होना किसी भी बात को लेकर. ओके, सो ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं, आपके बुक में इसमें और डिटेल में दिया हुआ है, बट हमारे लिए इतना सुटेबल था, इतना जानना सफिशियंट है. ओके, जस्ट बिकॉज हमारी बुक में वर्कशीट है जिसमें हमें सेंटेंसेस को रीड करके उसको टाइप को बताना है, तो टाइप बताने के लिए आपको इतनी बात पता होनी चाहिए. नाउ लेट सी द वर्कशीट ऑफ दिस एक्सरसाइज. नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर, जो फॉलोइंग सेंटेंस आपको गिवन है आपको उसको बताना है कि वो असर्टिव है, मीन्स डिक्लेरेटिव है, इम्पेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है.
हमने देख लिया कि किस तरीके से हमें सेंटेंसेस देखने होते हैं. नाउ टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता, एक सिंपल सेंटेंस है. इसमें आप किसी को कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं. ओके, असर्टिव. इज इट योर फाइनल आंसर, क्या ये आपका फाइनल आंसर है? देखिए इससे स्टार्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब है, क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, इंटरोगेटिव हो गया. प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टिंग समवन, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो. इम्पेरेटिव, डू यू नो द वे टू द मार्केट, क्या आपको मार्केट का रास्ता पता है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्टिंग है. इंटरोगेटिव, मे ही लीव लॉन्ग, लेट्स सी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. ओके, यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप किसी की फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं. ओके, मे ही लीव लॉन्ग, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि वो उसकी आयु जो हो वो बहुत लंबी हो, उसकी एज लंबी हो. सो यहाँ पे ये इम्पेरेटिव हो जाएगा, आप एक सेंटेंस को बोल रहे हैं. ओके, यहाँ पे हम लोग अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं. नाउ अलास ही हैज़ लॉस्ट हिज बैग, ओके, यहाँ पे आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि अरे उसका बैग खो गया, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी. नेक्स्ट वन इज, इट इज़ गुड टू ओबे योर एल्डर्स, हमारे एल्डर्स को ओबे करना अच्छी बात होती है, ये हो जाएगा आपका इम्पेरेटिव. व्हाट अ प्लीजेंट वेदर, कितना प्यारा वेदर, कितना प्यारा मौसम है. ओके, यहाँ आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी. ओके, नाउ शो मी योर कॉपी बुक प्लीज, ठीक है, प्लीज आ गया, रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, इम्पेरेटिव सेंटेंस. आई डोंट लाइक टू वेस्ट माई टाइम, मुझे मेरा टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है. ओके, सो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सेंटेंस, दैट मीन्स असर्टिव सेंटेंस. चिल्ड्रन लव स्वीट्स, बच्चों को स्वीट्स पसंद है, असर्टिव सेंटेंस. ओके, हैव यू सीन द ताजमहल, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? सो क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव. मे आई हैव योर बुक टूडे, फॉर बुक फॉर टूडे, क्या मैं आपकी बुक ले सकती हूँ आज के लिए? क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इंटेरोगेटिव. नेक्स्ट इज, ब्रिंग द प्रिजनर्स हियर, ऑर्डर दे दिया, प्रिजनर्स को इधर लेकर आओ, दैट इज इम्पेरेटिव. प्लीज शो मी द फोटोग्राफ, प्लीज मुझे फोटोग्राफ शो कीजिए, दैट इज इम्पेरेटिव. हुर्रे, वी वॉन द मैच, एक्सप्रेस कर दी फीलिंग्स, ठीक है, खुश हो गए, मैच जीत गए. सो ये हो जाएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी. ओके, नाउ वी हैव कम्प्लीटेड अवर चैप्टर नंबर फर्स्ट इन द इंग्लिश ग्रामर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विथ अवर चैप्टर नंबर 2. दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, गुड बाय.